वेलकम यू टू फैमिली। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कहानी है एक हॉट लड़की और एक लूजर लड़के की। कहानी स्टार्ट होती है हमारे लड़के कर्क से, जिसका ब्रेकअप हो चुका रहता है। उसके दोस्त स्टैनर, जय और ब्रैड तीनों मिलकर उसकी टांगे खींच रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि तू हिलाना बंद कर, हिलाने के कारण तेरा ब्रेकअप हुआ है। तभी उसका मोटा भाई ब्रैड उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम जैसे हो वैसे रहो, इन लोगों की बात मत सुनो। हमारा लड़का कर्क मरीना के सामने अपना दुखड़ा रोता है। वो उसे कहता है कि प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन मरीना उसका KLPD करके वहां से चली जाती है। फिर एंट्री होती है एक हॉट लड़की की, जिसका नाम मौली रहता है। उसके दो बड़े बड़े अनमोल रत्न देखकर लोगों की आंखें निकल जाती है। हमारा लड़का कर्क एयरपोर्ट पर TSA की जॉब करता है। वो अपने बॉस से बात कर ही रहा होता है तभी उसे मौली दिखती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। कर्क सोचता है कि ये लड़की मेरे औकात से बाहर है, मुझे हिलाने से ही काम चलाना पड़ेगा। जब मौली एयरपोर्ट पे एंट्री के लिए आती है तब कर्क के दो ठड़की दोस्त उस पर लैंड मारने लगते हैं। यह देखकर हमारा लड़का कर्क मौली को अपने ठड़की दोस्तों से बचा लेता है। मौली जब प्लेन पे आती है तो उसे याद आता है कि उसका फोन एयरपोर्ट पे चेकिंग करते समय छूट गया है। उसकी दोस्त पैटी, जो दिखने में काफी क्यूट होती है, वो मौली के फोन पे कॉल करती है। हमारे लड़के कर्क की किस्मत अच्छी होती है, जिसके कारण मौली का फोन उसको मिलता है। मौली पैटी से फोन लेकर कर्क से बात करती है। मौली कर्क से कहती है कि मेरा फोन अपने पास रखना। तभी मौली कर्क को म्यूजियम पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अगले सीन में देखते हैं कि हमारा लड़का कर्क मोटा भाई ब्रैड के साथ पार्टी में आता है। मौली ब्लैक ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसे देखकर कर्क के मुंह में पानी आ जाता है। हमारा लड़का कर्क जब ड्रिंक कर रहा होता है तब गलती से ड्रिंक म्यूजियम डायरेक्टर पर गिर जाता है। म्यूजियम डायरेक्टर हमारे लड़के कर्क और मोटा भाई दोनों को म्यूजियम से बाहर फेंक देता है और उनका KLPD हो जाता है। यह सब देखकर मौली को बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर आ जाती है। वो हमारे लड़के कर्क को हॉकी गेम के लिए इन्वाइट करती है और कहती है कि तुम अपने एक दोस्त को भी ला सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा लड़का कर्क अपने झाटू दोस्त स्टेनर के साथ गेम देखने आता है। मौली अपनी क्यूट दोस्त पैटी के साथ वहां पे आती है। कर्क को ऐसा लगता है कि मौली उसका टाका क्यूट पैटी के साथ जोड़ रही है। जब कर्क का झाटू दोस्त स्टेनर और मौली दोनों ड्रिंक लाने जाते हैं तब क्यूट पैटी कर्क को बोलती है कि मौली तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है। यह सुनकर हमारे लड़के कर्क के सोए अरमान जाग जाते हैं। वह ये बात अपने बेरोजगार दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम दिन भर हिलाते हो, मौली जैसी हॉट लड़की तुमसे कैसे पढ़ सकती है। तभी मौली का कॉल आता है और कर्क को डेट के लिए पूछती है। इधर क्यूट पैटी मौली से पूछती है कि तुम कर्क को डेट क्यों कर रही हो। तभी मौली कहती है कि कर्क एक अच्छा इंसान है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा लड़का कर्क बहुत ज्यादा घबराया होता है, क्योंकि उसके सामने हॉट मौली बैठी रहती है। तभी मौली का एक्स कैम आता है और कर्क की जगह बैठ जाता है। यह देखकर कर्क का KLPD हो जाता है। मौली को यह अच्छा नहीं लगता है। वो कैम को बोलती है कि मैं कर्क के साथ डेट पर आई हूँ, तू पतली गली पकड़ के निकल। ये सुनकर कैम वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों रात भर घूमते हैं। कर्क मौली को उसके घर छोड़ने जाता है। तभी हमारा लड़का कर्क मौली के साथ चुमा चाटी करता है। चुमा चाटी की बात वो अपने बेरोजगार दोस्तों को बताता है। उसके बेरोजगार दोस्त उस पर यकीन नहीं करते हैं। कर्क बोलता है कि मौली मेरे फैमिली से मिलना चाहती है, इसलिए मैंने उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मौली कर्क के घर आती है। कर्क के माता पिता मौली को देखकर चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया। फिर कर्क मौली को अपने भाई और अपने एक्स से मिलाता है। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर खा रहे होते हैं तभी कर्क की माँ मौली को ब्रेसन जाने के लिए इन्वाइट करती है और मौली मान जाती है। कर्क मौली के घर आता है तभी उसे मौली का कुत्ता दिखता है। कर्क डर जाता है। तभी मौली बोलती है डरो मत, ये कैप्टन पिकल है। मौली और कर्क दोनों ड्रिंक करते हैं। उसके बाद दोनों के सोए अरमान जाग जाते हैं और दोनों टपाटप शुरू कर देते हैं। हमारा लड़का कर्क टपाटप करते समय अपनी पैंट गीली कर देता है। तभी अचानक मौली के माता पिता आ जाते हैं। जब मौली के पिता कर्क से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा तब पैंट गीली होने के कारण कर्क उनसे हाथ नहीं मिलाता और वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर मौली को बुरा लगता है और इधर कर्क अपना 50 ग्राम का हाथ गाड़ी पर मारता है और कसम खाता है कि आज के बाद वो हिलाना छोड़ देगा। कर्क ये बात अपने बेरोजगार दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका दोस्त ज्ञानी बाबा जैक उसको बोलता है कि तुम जाकर उसे सच सच बता दो, वो जरूर तुम्हारी बात को समझेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा लड़का कर्क अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ मेले में मौली से मिलने आता है। वो मौली के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। मौली कहती है कि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ इतने अच्छे से बात की, लेकिन तुमने मेरी फैमिली के साथ तो बात भी नहीं की, तुम वहाँ अचानक से क्यों चले गए। इस पर हमारा लड़का कर कहता है कि उस रात को जब हम दोनों टपाटप कर रहे थे तब मेरी पैंट गीली हो गई थी, इसलिए मैं वहां से जल्दी चला गया था।
ये सब सुनकर मॉली मुस्कुराने लगती है। उसकी दोस्त क्यूट पैटी बोलती है कि तुम्हें कर्क से बात करनी चाहिए, वो एक सच्चा इंसान है। ये सुनकर मॉली कर्क के पास जाती है, दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों चुमाचाटी करने लगते हैं। कर्क बहुत खुश हो रहा होता है, तभी मॉली का एक्स कैम आता है और उसका केल पेटी कर देता है। वो बोलता है कि मॉली के साथ वो दोबारा टपाटप करना चाहता है, तू उसके रास्ते से हट जा। कर्क घबरा जाता है। मॉली और कर्क दोनों मूवी देखने जाते हैं, पूरी शाम साथ में बिताते हैं। मॉली कर्क को बताती है कि उसकी बहन का कल बर्थडे है। तभी कर्क मॉली को कहता है कि तुम अपनी बहन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्क का झाटू दोस्त स्टेनर बेसुरा गाकर सबको पका रहा होता है। तभी कर्क आकर मॉली की बहन शीला को बर्थडे विश करता है। कर्क दोबारा मॉली के माता पिता से मिलता है। कर्क मॉली के पिताजी से सॉरी कहता है। तभी मॉली के पिताजी उसे पूछते हैं, तुम क्या करते हो। ये सब सुनकर मॉली अपने पिताजी से झूठ बोलती है। वो कहती है कि कर्क एक पायलट है। ये सब सुनकर कर्क को बुरा लगता है। वो सोचता है कि मॉली ने झूठ क्यों बोला। दोनों होटल रूम में जाते हैं और टप टप करने लगते हैं। तभी कर्क मॉली से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि मैं एक पायलट हूँ। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। कर्क अपने घर चला जाता है और मॉली रात भर रोती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्क अपनी एक्स मरीना और अपनी फैमिली के साथ बैरसन जाने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। तभी उसका झाटू दोस्त स्टेनर उससे पूछता है कि मॉली कहाँ है। तब कर्क उसे बताता है कि उसका ब्रेकअप हो चुका है। कर्क का झाटू दोस्त स्टेनर प्लेन पे जाता है और कर्क को समझाता है कि मॉली सही बंदी है तुम्हारे लिए। कुछ देर बाद कर्क को ये एहसास होता है कि उसका झाटू दोस्त स्टेनर सही बोल रहा है। वह अपनी बीच की उंगली अपनी एक्स को दिखाकर वहां से जा ही रहा होता है। तभी एयर होस्टेस आकर बोलती है कि बकचोदी बनकर और चुपचाप जाकर बैठ जा। कर्क अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाता है। कर्क का झाटू दोस्त स्टेनर मौली की क्यूट दोस्त पैटी को कॉल करता है और कहता है कि कर्क और मौली का ब्रेकअप हम दोनों की बकचोदी के कारण हुआ है, तू मौली को लेकर एयरपोर्ट आ। पैटी मौली से पूछती है कि तुम अभी भी कर्क से प्यार करती हो। तब वो मौली का मुरझाया चेहरा देखकर समझ जाती है और दोनों एयरपोर्ट की ओर जाते हैं। झाटू स्टेनर मॉली से कहता है कि तुम अगर 10 मिनट में कर्क से नहीं मिली तो उसे तुम खो दोगी। दोनों एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। कर्क का खड़ूस बॉस दोनों को रोकता है और कहता है कि प्लेन डिपार्ट होने वाला है, अब कोई अंदर नहीं जा सकता। तभी झाटू स्टेनर ज्ञानी बाबा जैक को कॉल करता है और कहता है प्लेन को रोकने के लिए। प्लेन रुक जाती है और कर्क मौली से मिलने के लिए भागता है। कर्क की एक्स मरीना उसके पीछे भागती है। वह कर्क को एक जोर सा घुस्सा लगाती है और कर्क वहीं पे गिर जाता है। जैसे तैसे करके कर्क मौली से मिलता है और दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और फिर दोनों चुमाचाटी करने लगते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।